भाई बलविंदर सिंह जी उन्होंने शुभनामा आप श्रवण कराया जिला अब सतखंड श्री हरिमंदर साहब तो आप प्राप्त हो रहा है। गुरु प्यारी साहब संगत जी इतने भी सारे दीवाना की समाप्ति है समाप्ति को प्रत्ये मैं संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूमि बाल जी पहला बेनती करा कि उस रूप आओ प्राप्त कर लेना क्योंकि इन्होंने स्थानों पर बाबा जी ने वालों सेवावान भी चल रही ने। अज का यह पवित्र दिहाड़ा धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद का दिहाड़ा वै अज संगत बड़े उत्साह के नाल प्रेम के नाल अज बाबा जी का शहीदी दिहाड़ा मना रही ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों अंदर अज पूरा दिन दीवान सजनगे जिथे संगत कि इलाही कीर्तन सुन के गुरु घर खुशियां दे नाल झोलियां भर के जाएगी। और बाबा दीप सिंह जी का जिहड़ा यह स्थान है ये एक हिंदू ते सिख भाईचारे का केंद्र भी बन चुकिया जिथे जिन्ना सिख वीर इस धर्म के उत्ते श्रद्धा भावना रखते उन्ना ही हिंदू धर्म के वीर भी तुम वेख सकते हो बड़ी भावना के नाल सत्कार के नाल बाबा जी मनते हैं। अज तुम वेखो कि बाबा जी के शहीदी दिहाड़े के उत्ते लंगर की कोई गिनती नहीं है वड्डी गिनती दे विच श्रद्धा के भाव भावना के नाल अपनी जिस तरह भी किसी का हाथ है उस हिसाब नाल लंगर की सेवा लगाई है। अज का एक ही विशेष कैंप भी बाबा जी के शहीदी दिहाड़े में समर्पित किया जो कि बाबा धन धन बाबा दीप सिंह जी लोक सेवा सुसायटी वालों लगाया गया। बाबा दीप सिंह लोक सेवा सुसायटी पिछले काफ़ी सालों तो बाबा जी की कृपा के नाल सेवा निभा रही है आम गरीब लोगों की सेवा करती है खूनदान कैंप लगाती है राशन की सेवा लगाती है। असी अज अपने परिवार के नाल इतने मत्था टेकन आए हैं बाबा जी के शहीदी दिहाड़े के उत्ते सानूं बहुत बहुत वधिया लगा बाबा जी कृपा करन असीं सारी संगत की अरदास की है कि करोना महामारी जल्दी तो जल्दी खत्म होवे तो दुनिया के फिर पहले वाले हालात बन सकन जो कि हर कोई आके गुरु घर मत्था टेक सके लोगों ने डर चो जड़ी है निजात मिल सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूह संगतां ताई निम्रता सहित बेनती है कि योधे जरनैल अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी तिन्हां दा पावन पवित्र शहीदी दिहाड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह संगतां दे सहयोग दे नाल बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जा रहा वा। जो ये पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा शहीदगंज साहिब जी दे नाम नाल है प्रसिद्ध है जदों धन धन बाबा दीप सिंह जी साबो की तलवंडी विखे गुरबाणी का उतारा कर रहे ने उस वेले बाबा जी ने जो सुनेहा मिले कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी की जी है घोर बेअदबी जहान खान वालों की जा रही है उस वे बाबा जी फिर बजुर्ग अवस्था के 18 सिर का खंडा लै करके बठिंडे की धरती तो साबो की तलवंडी तो चले ने और 10,000 का जत्था इतिहास आता कि 10,000 का जत्था गाड़ी मुगलों का 40,000 जी फौज है उन्होंने नाल चब्बे के मैदान लहू ढूंढ भी जोड़ा युद्ध बड़ा घमसाण का युद्ध होया उस घमसाण के युद्ध के जड़िया मुगल फौजा उदों भाजड़ा पै गई जो बाबा जी का पावन पवित्र सीस धड़ नालों अलग होया तो अनोखा चमत्कार बाबा जी ने फिर खब्बी तली ते सीस टका करके सजे हाथ के नाल 18 सिर का खंडा वाहया जदों फिर उस वेले मुगलों दी फौजा में हफड़ा दफड़ी मच गई और इस जंग नूं बाबा जी ने जितया और जो प्रण किया जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सर दीजै काण न कीजै उस पावन पुत्र जो मुख वाक ने पूरा करते हुए सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी ने आज़ाद करवाया और परिक्रमा के धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह पावन पुत्र अस्थाना अपना जो सीस भेटा किया इस पावन पुत्र अस्थान पर बाबा जी के धड़ का शरीर का जड़ा वा वो अंतम संस्कार होया है और ये जो पावन पवित्र अस्थान है और जो बाबा जी की लाशानी शहीदी है वो गुरधामों की पवित्रता कायम रखने वास्ते एक प्रेरणा स्रोत है। लखां की तादाद में संगत इत्थे नतमस्तक हो रही गुरु दी खुशियां लै रही ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।